अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान उज़ैर खालिद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। आज मैं शहर कायते एक ऐसे नौजवान के साथ मौजूद हूँ जिसने ना सिर्फ शहर को हरा भरा करने की ठान ली है बल्कि जो शहर का पानी है उसको भी सेफ करने के लिए एक बड़ा मंसूबा तैयार किया है। मेरे साथ मौजूद हैं सरोश, मैं इनसे बात करूँगा। सरोश का क्या मंसूबा है, आप इन्हीं की ज़बानी जानिए। सरोश मुझे बताइए, आपका क्या मंसूबा है शहर को हरा भरा करने के लिए और इधर का जो पानी आपने एक मंसूबा बनाया सेफ करने के लिए, खुद ही हमारे नाज़रीन को बताइए। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा आपकी टीम का कि आप लोग यहाँ पर आए और ऐसी एक्टिविटी को आपने प्रमोट करने की कोशिश की। मेरा नाम जो है सरोश सिराज है और मैं फाउंडर और प्रेसिडेंट हूँ ग्रीन हैंड्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का। लोग मुझे यहाँ पर ट्री मैन ऑफ पाकिस्तान के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आपको पता है, कराची शहर के अंदर पिछले 5 सालों से हीट वेव का सामना हर साल हमें करना पड़ता है और मुसलसल तौर पर टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है कराची शहर का। अभी भी आप देख रहे हैं फैब का महीना है और टेम्परेचर किस तरीके से बढ़ा हुआ है, गर्मी की दर्जा हरारत बढ़ी हुई है। तो इसके लिए हम दर्जा हरारत को कंट्रोल करने के लिए, अपनी आबो हवा को, माहौल को अच्छा बनाने के लिए दरख का सहारा लेते हैं कि हम अपने शहर में दरख लगाएं ताकि जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारा माहौल है, वो अच्छा ठंडा हो सके, एक हमें शेल्टर मिल सके। लेकिन एक बात जब दरख लगाने की आती है तो दरख हम उसी जगह पे लगा सकते हैं जहाँ पर हमें सोर्स ऑफ वाटर हो। कराची शहर के अंदर आपको पता है कि गुज़्तर कई सालों से पीने का पानी नहीं है, तो हम पौधों को पानी कहाँ से दें। लोग टैंकरों के पीछे हैं, बोरिंगों के पीछे हैं और मुख्तलिफ चीज़ रिसोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस चीज़ की गहमा गहमी में थे कि हम प्लांट्स भी लगाएं और सोर्स ऑफ वाटर भी कहाँ से जनरेट करें। तो देखा जाए तो अल्लाह पाक मरहूम को मकफर जन्नत नसीब फरमाए, वाइस एडमिरल आरिफुल्लाह हुसैनी साहब को उन्होंने एक फतेहबाग में एक ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जो सेवरेज के पानी को उन्होंने ट्रीटमेंट करके इस काबिल बना दिया कि उसको बागवानी के लिए इस्तेमाल किया जा सके। तो वहीं हमारे जहन में भी एक चीज़ आया कि हमारे पास तो इतना बजट, इतने वसायल नहीं थे कि उस तरीके से हम सेवरेज के पानी को ट्रीटमेंट कर सकें। लेकिन हमने एक नोट किया कि जो वज़ू का पानी जो मिलियंस गैलन्स की, लाखों गैलन्स के हिसाब से ज़ाया हो रहा है रोज़ाना नालों में जा रहा है, तो क्यों ना अक्सर मस्जिदें जो हमने देखी वो ईदगाह और पार्क के साथ होती हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस वज़ू के पानी को यूटिलाइज़ किया जाए और उसको हम पार्क और ग्राउंड की तरफ हम ले जाएँ, जिसको हम शजरकारी के लिए बड़े ईजीली आसानी से हम उसको काम कर सकें। और इसी तरीके से हमने कोशिश करते करते अलहमदिल्ला आज अभी तक हमने 3 मस्जिदों को खुद अपने हैंडओवर वो कंप्लीट किया है इस प्रोजेक्ट को और मज़ीद लोग हमसे कॉन्टेक्ट कर रहे हैं इस हवाले से कि हम कैसे इस मस्जिद के वज़ू के पानी को अपने पार्क और ग्राउंड तक लेके चलते हैं। सरोश, वज़ू का पानी एक बहुत ही यूनिक चीज़ है, आपने मतलब ये बैठे बैठे दिमाग में आया कैसे कि यार वज़ू का पानी इस उसमें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो साफ़ भी होता है, वो इतना गंदा भी नहीं होता, वो पौधों को ख़राब भी नहीं करेगा, तो आपको ये बैठे बैठे क्या आइडिया के लिए कैसे हुआ? देखिए, पानी एक नेमत है और हमारे दीन में भी कहा गया है कि इसकी हिफाजत करो, उसको ज़ाया होने से बचाओ। तो जब हम वज़ू कर रहे थे तो एक ख्याल आता है ना जहन में कि यार ये पानी भी, तो जैसे सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का मैंने बताया कि आरिफुल्लाह हुसैनी साहब ने सेवरेज के पानी को फ़िल्टर करके बागवानी का इस्तेमाल किया, तो हमने कहा ये वज़ू का पानी जो ज़ाया हो रहा है तो बस वहीं से सेवरेज से और वज़ू के जो सफ़र है वो हमने तय किया और वज़ू के पानी को यूटिलाइज़ करते हुए हम उसको ग्राउंड और पार्कों में ले गए ताकि हम उसको प्लांटेशन के लिए यूज़ कर सकें। अच्छा, अभी मुझे बताइए, अभी आप कितनी मस्जिदों में ऑपरेशनल कर चुके हैं काम अपना और कितना आपका ये काम आगे का, मुझे फ्यूचर प्लान बताइए, अभी का बताइए फिर आगे का फ्यूचर प्लान भी बताइए। अलहमदिल्ला हम अपनी ज़ात से जो कोशिश कर रहे हैं वो 3 मस्जिदों को अलहमदिल्ला हम कर चुके हैं जहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल बाय ईजी, क्योंकि वहाँ पर हमें वज़ू का पानी, वज़ू जो है वो ऊपर ग्राउंड ज़मीन से ऊपर होना चाहिए ताकि वो ईजिली पानी उसका ग्राउंड में आ जाए। नहीं तो एक बड़ा बजट है, एक रिसोर्स इस्तेमाल करना पड़ता है, उसको टैंक में जमा करो दैन डिस्ट्रीब्यूट करो। और हमने एक चीज़ सोची कि हम खुद अपनी ज़ात से कितनी मस्जिदें कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 10, 15 कर लेंगे। तो हमारा एक विजिट हुआ फैज़ान मदीना में एक्स चेयरमैन MNA रेहान हाशमी भाई के साथ, तो हमने वहाँ फैज़ान मदीना में भी ये बात रखी कि आप अपने मरकज़ से ये बात चलाएं कि जो वज़ू का पानी है तो उसको आप क्यों ना बागवानी के लिए, प्लांटेशन के लिए इस्तेमाल करें। तो ये कोशिश है हम तमाम अपने उलमाए कराम के पास जाएं और ये विजन और मिशन उनको बताएं। तो इस तरीके से कोशिश ये कि अन करीब चंद सालों के अंदर तमाम मस्जिदों का जो वज़ू का पानी ज़ाया हो रहा था वो बच जाए। अच्छा, मुझे ये बताइए, नई हुकूमत आई, इमरान खान साहब का ख़ुद बहुत ज़ोर है इस चीज़ पे कि ग्लोबल वार्मिंग का आगे बहुत मसला है, कराची को भी हरा भरा बनाना है और पानी की कमी होती है, बारिशों की कमी है कराची में, उस हिसाब से आपको गवर्नमेंट्स की सपोर्ट के बारे में मुझे बताएं कि किसी फेडरल ने या सूबाई ने किसी ने सपोर्ट किया? गवर्नमेंट्स की तरफ से अवार्ड्स बेशुमार मिले हैं मुझे, तमाम MPs MNA एक एक वक्त के एक एक एक्टिविटीज़ के अंदर जो हमने शहर के अंदर अर्बन फॉरेस्ट मसनूई जंगल बनाने का एक जो रिवाज रखा है कि छोटे छोटे इलाकों के अंदर, ताकि जो हमारे शहर की कोयल, बुलबुल, मैना, परिंदे जो हैं वो दोबारा लौट आए शहर के अंदर। तो कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर ये लोग सब आएँ, हमने उनको पूरा विजन बताया, पूरा मिशन बताया, हौसला अफजाई मिलती है, अप्रिसिएशन अवार्ड मिलता है। पर अमली इकदाम में जब हम उनसे कहते हैं कि हमें आपसे सिर्फ प्लांट्स चाहिए, पौधे चाहिए जो हम लगा सकें, तो रिप्लाई में हमें 3-3 और 6-6 इंच के पौधे मिलते हैं, जिसको संभालना हमारे लिए मुश्किल है।
अच्छा मुझे बताएं, हमारी स्क्रीन पे लोग देख रहे हैं कि हैंड पंप का इस्तेमाल कैसे, आपने हैंड पंप लगाया है और ये जो नालियां बनाई हुई हैं जिनका पानी वजू का पानी होते हुए आपके पौधों तक पहुंच रहा है, ये है। पहले तो हैंड पंप का बताएं, हैंड पंप कैसे आपने ये ऐजाद कर दिया कराची में हैंड पंप और मीठा पानी आ रहा है इससे, और फिर नालियों का बताएं। जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि हैंड पंप का ख्याल कैसे आया, तो आप जिस जगह को देख रहे हैं यहाँ पर, जो हमने मस्तूई जंगल एक फॉरेस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ चौकीदार प्रोवाइड नहीं है कि हम यहाँ पर बोरिंग कराते हैं प्रॉपर और मोटर लगाते हैं यहाँ पर और उससे पानी डालते हैं। तो ये हमारी शहर की बदनसीबी है और हमारे इदारों की कमज़ोरी है, जिस वजह से इसको लवारिस ये पड़ा हुआ है। और हमने ख़ुद इसकी ओन किया, इसको यहाँ पर हैंड पंप लगाया और ख़ुद मैनुअली इसमें से पानी निकाल के इन तमाम पौधों के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जहाँ तक ये नालियों का पानी नहीं पहुँचता। अच्छा मुझे ये बताएं, कितने किस्म के पौधे आपने लगाए हैं और ये जो इनकी लाइफ है पौधों की, ये कितनी लाइफ है? मतलब ऐसे पौधे तो नहीं है जो गर्मी में फल फूल जाएंगे फिर सर्दी में ख़त्म हो जाएंगे? बिल्कुल, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश ये की कि हर किस्म के पौधे लगाए हैं। और जब पौधे लगाने के क्राइटेरिया होते हैं ना, कि जो जैसे कि मैं एक्टिविटीज़ करता हूँ उसमें स्कूल्स कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को इंगेज करता हूँ, वहाँ के स्टूडेंट्स को इंगेज करता हूँ, उनको बताता हूँ, उनको अवेयरनेस देता हूँ कि दरख्त की अहमियत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, और उसके बाद जाके हम जो है ना पाँच पाँच बच्चों को एक एक पौधा दे देते हैं, उनके नाम का टैग लगा देते हैं उसमें। और जैसे अब रोड साइड पर अगर मैं फल के दरख्त लगाता हूँ तो ये है कि फल वो रोड पर गिरेगा, उससे गाड़ी बाइक स्लिप्स होने का खतरा है। तो हम रोड साइड पर जो है नीम है, बरगद है, बड़े फलदार और सायेदार और फूलदार दरख हम रोड साइड पर लगाते हैं। और जो स्कूल्स कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के बाउंड्रीज पर लगाते हैं, हम वहाँ पर फलों के दरख लगाते हैं ताकि वो जो हमारे परिंदे हैं वो अलॉट आएँ उन, और परिंदे भी उस फलों को एंजॉय करें और स्कूल के बच्चे भी उसको एंजॉय करें। जी तो नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद थे सहरोज, जो कि कराची को हरा भरा करने के मिशन पे निकल पड़े हैं, ना सिर्फ हरा भरा बल्कि कराची के पानी को भी सही सिंथ में उसको यूज़ करने के मिशन पे निकल पड़े हैं। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ नेशन। अल्लाह हाफिज़।